नमस्कार, वेलकम टू शवीज किचन। दोस्तों, हम सभी नवरात्रि में 9 दिन माता रानी का व्रत करते हैं और उपवास रहते हैं। आज अष्टमी का दिन है और आज मैं माता रानी का भोग बनाने जा रही हूँ, जिसमें पूरी, चना और सूजी का हलवा होगा। अगर मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। जय माता दी। माता रानी का भोग बनाने के लिए मैंने कुछ तैयारियां पहले से ही कर ली हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये काले चने हैं, इसको मैंने रात में भिगो दिया था और 3 से 4 सीटी मैंने कुकर में लगा के इनको उबाल लिया है। ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं। इधर कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको हलवा में डालने के लिए मैंने पहले से ही कट करके रख लिया है। और ये सूजी है, ये करीब 1.5 कटोरी के लगभग सूजी है, जिसको मैंने पहले से ही छान कर रख लिया है। इतनी तैयारी करने के बाद मुझे माता रानी का भोग बनाने में काफ़ी, तो चलिए शुरुआत करते हैं माता रानी के भोग से। और सबसे पहले हम चने और सबसे पहले हम चना बनाते हैं। मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है और उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है। ऑयल गर्म हो रहा है, इसमें जीरा डाल देंगे और साथ ही ये अजवाइन डालेंगे। इसके बाद हम इसमें ये उबले हुए चने डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे चने में। और उसके बाद हम इसको करीब 5 मिनट के लिए ढक देंगे और धीमी आंच पर इसको पकने देंगे। जब तक हमारे चने पकते हैं, तब तक हम पूड़ी के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। मैंने एक गहरा बर्तन लिया जिसमें 3 से 4 कटोरी के लगभग गेहूँ का आटा लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा मोयन डालेंगे। बहुत ज़्यादा मोयन नहीं डालेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको गूंथ लेंगे। आटा हमने गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे और चने की तरफ चलते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, बहुत जरा सा। और थोड़ा सा इसमें मैं मसाला डालूंगी, क्योंकि मैं इसको माता रानी के भोग के लिए बना रही हूँ, तो मैंने इसमें जो भी मसाले यूज किए हैं वो सब घर में पिसे हुए हैं। एक चम्मच के लगभग मैं इसमें बेसन डाल दूंगी, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और काफ़ी मसालेदार दिखेगा ये। अब ऊपर से मैं इसमें हरी धनिया की पत्ती डाल दूंगी।
ये देखिए दोस्तों, एकदम लग रहे हैं जैसे काफ़ी मसाला पड़ा हुआ है इसमें, जबकि मसाला मैंने बहुत कम ही डाला है, वो भी घर का बना हुआ। लेकिन बेसन डालने से ये बहुत ही अच्छा बन गया है और काफ़ी मसालेदार भी दिख रहा है। तो अब ये चना बनकर कंप्लीट हो चुका है, इसको हम एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे काले चने बनकर तैयार हो चुके हैं, अब इसको हम ढक के रख देते हैं और अब हम सूजी का हलवा तैयार करते हैं। इसके लिए गैस पर हम दूसरी कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। और गैस के दूसरी साइड में हम थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये चनी हुई सूजी डाल देंगे और इसको धीरे धीरे भून लेंगे। इस सूजी को हमें धीमे धीमे आंच में भूनना है, वरना नीचे से ये जल सकती है। सूजी हमारी भून चुकी है और इसमें पकने की बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें ये गरम किया हुआ पानी डाल देते हैं। अब इसको हम करीब 2 मिनट के लिए ढक देंगे और धीमी धीमी आंच में इसको पकने देंगे। खोलकर इसको चेक कर लेते हैं। सूजी हमारी बहुत अच्छे से फूल चुकी है। अब इसमें हम ये 1 कटोरी के लगभग चीनी डाल देंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जो हमने पहले से ही काट के रखे हैं। इसमें मैंने काफ़ी ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं, जिनमें ये सूखा नारियल है, काजू है, बादाम है, किशमिश है, चिरौंजी है और थोड़े से ये मैंने पिस्ते भी काट के रखे हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट्स डालूँगी और थोड़े से ऊपर से गार्निशिंग के लिए बचा के रखूँगी। अब मैं इसमें ये कुटी हुई हरी इलायची डाल दूंगी
और थोड़ा सा इसमें देसी घी और डालूंगी। अब ये इलायची और केसर का पाउडर है, इसको भी मैं थोड़ा सा डालूंगी। इससे हलवा का कलर बहुत अच्छा आएगा और खुशबू और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर ऐसे ही चला कर पकाएंगे। ये देखिए हलवा का कलर चेंज होने लगा है, ये बिल्कुल केसरिया हलवा बनके तैयार होगा हमारा। केसर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया हलवा बनके तैयार हुआ है, एकदम दानेदार है ये। सूजी बहुत अच्छे से पक चुकी है, कलर भी बहुत अच्छा आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। मैंने आधा हलवा एक डूंगे में निकाल दिया है और आधा मैं बर्फ़ी के शेप में जमा लूँगी। इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रे ली है, इसमें थोड़ा सा देसी घी लगाया। और अब आधा हलवा मैं इसमें पलट दूँगी। ये कतली के शेप में जब हलवा हो जाता है तो देखने में भी अच्छा लगता है और आसानी से खाया भी जा सकता है इसको। अब ऊपर से मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दूंगी। इसमें भी डाल देती हूँ। अब 10 मिनट के बाद मैं इस सूजी की कतली को काट लूँगी। अभी मैं इसको ढक के रख देती हूँ और अब हम पूड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। अब हमारा ये आटा भी सेट होके तैयार हो चुका है, तो पहले हम इनकी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा हम सूखा आटा लेंगे।
इसी के साइड में हम इसको रख लेते हैं। और अब हम इनकी लोइयां काटेंगे। छोटी छोटी लोइयां हमें काटनी है। माता रानी की भोग की पूड़ियां बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनती हैं। सारी लोइयों को हम बराबर शेप में काट लेंगे। अब एक एक करके हम इनको बेलकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए इनको बेल लेंगे। देखिए एक पूरी बेल के मैं और दिखाती हूँ आपको। ये दूसरी पूरी भी मैंने बेल के तैयार कर ली है। इसी तरीके से मैं सारी पूरियां बेल के रख लेती हूँ। जब तक मैं पूरियां बेल रही हूँ तब तक एक कढ़ाई में मैं घी गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ा देती हूँ। हमने पूरियों को बेलकर तैयार कर लिया है और अब बारी आती है इनको सेकने की। तो चलिए फटाफट इनको सेकते हैं। जब तक हमने पूरियों को तैयार किया तब तक हमारा घी भी अच्छे से गर्म होकर तैयार हो चुका है। अब एक एक करके मैं इसमें पूरियों को तलूंगी। मेरी कढ़ाई में स्पेस अच्छा है तो मैं इसमें एक साथ दो पूरियां भी तल सकती हूँ। मैंने दूसरी पूरी भी इसमें डाल दी है। ये देखिए इससे हमारी टाइम की भी बचत होती है और काम भी फटाफट हो जाता है। देखिए दोस्तों हमारी पूरियां फटाफट तल के निकल रही हैं। इसी मेथड से हम बाकी सारी पूरियों को तल के तैयार कर लेंगे। हमारी पूरियां भी बन के तैयार हो चुकी हैं और अब हम जो सूजी की कतली जमाए थे उसको काटेंगे। ये देखिए दोस्तों कितनी आसानी से इसकी कतली जो है बाहर निकल रही है।
ये देखिए। अब हम माता रानी के भोग की थाली तैयार करते हैं। इसके लिए एक हम साफ थाली लेंगे और उसमें माता रानी का भोग लगाएंगे। अब इसमें हम तुलसी के पत्ते डाल देंगे, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के तो माँ का भोग बिल्कुल अधूरा है। हमने माता रानी के भोग की तैयारी कंप्लीट कर ली है। हमारी थाली तैयार हो चुकी है। अब हम माता रानी को भोग लगाने जा रहे हैं। तो कैसी लगी आपको दोस्तों मेरी ये तैयारी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय माता दी।